नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारी बात जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग को लेकर होगी। जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष योग का अद्भुत महत्व है, बहुत ही श्रेष्ठ महत्व है जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योगों का। इस योग का निर्माण जन्म कुंडली में तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में अथवा अपनी उच्च राशि में मजबूत अवस्था में बैठे हों। इन पंच महापुरुष योगों में भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रुचक योग और सस योग होता है। आज हम इन पंच महापुरुष योगों में ग्रहों के सेनापति मंगल से बनने वाला रुचक महापुरुष योग के बारे में और विस्तार से जानेंगे कि कुंडली में यह योग कैसे बनता है और इस योग से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, रुचक योग कुंडली में उग्र ग्रह, ग्रहों के सेनापति मंगल द्वारा बनता है और इसे ज्योतिष में लाभकारी योगों में से एक माना जाता है, जिसे पंच महापुरुष योग में रुचक महापुरुष योग कहा जाता है। इस योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, अब आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में रुचक योग का निर्माण तब होता है जब जन्म कुंडली में मंगल लग्न में चौथे भाव में, सातवें भाव में या दसवें भाव में बैठे हों, यानी कि केंद्र भाव में बैठे हों और राशि मेष वृश्चिक या मकर हो, यानी मेष वृश्चिक या मकर राशि में मंगल केंद्रगत हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और यह मकर राशि में उच्च का होता है। कुंडली में रुचक योग के प्रभाव की बात करें तो जन्म कुंडली में इस योग के प्रभाव से जातक को शारीरिक बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, उमंग, उत्साह एवं मानसिक क्षमता के साथ साथ यह रुचक योग जातक को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। साथ ही कुंडली में रुचक योग का निर्माण जातक को उन क्षेत्रों में विशेष लाभ देता है जो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।